हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। सावन शिवरात्रि 2021 6 या 7 अगस्त पूजा व पारण मुहूर्त पूजा विधि भूलकर भी ना करें ये एक काम। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे अधिक प्रिय मास माना जाता है। इस समय सावन माह चल रहा है। सावन में आने वाली शिवरात्रि सावन शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। हर माह आने के कारण इसे मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर विशेष रूप से शिव पार्वती का पूजन कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। शास्त्रों में मासिक शिवरात्रि व्रत का फल भी महाशिवरात्रि की तरह ही बताया गया है। आज हम आपको साल 2021 सावन माह में पड़ने वाले शिवरात्रि व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विशेषकर सावन माह की शिवरात्रि के दौरान बरती जाने वाली सावधानी व उपायों के बारे में बताएंगे। सावन शिवरात्रि शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में सावन शिवरात्रि का पर्व 6 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। सावन कृष्ण चतुर्दशी प्रारंभ होगी 6 अगस्त सायंकाल 6:28 पर। सावन कृष्ण चतुर्दशी समाप्त होगी 7 अगस्त सायंकाल 7:11 पर। निशित काल पूजा का समय होगा 12:06 से प्रातःकाल 12:48। व्रत के पारण का शुभ समय होगा 7 अगस्त सुबह 5:46 से शाम 3:47 तक। सावन शिवरात्रि पूजा विधि। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले शिवलिंग का गंगा जल या स्वच्छ जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, शहद आदि से रुद्राभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाकर पूरे शिव परिवार की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं और शिव मंत्रों का उच्चारण कर आरती करें। कहा जाता है कि सावन में रुद्राभिषेक से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सावन शिवरात्रि उपाय। सावन शिवरात्रि के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना लाभकारी उपाय माना जाता है। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को ठंडे दूध मिले जल में काले तिल व जौ डालकर अर्पित करने से सफलता की प्राप्ति होती है। यदि सावन शिवरात्रि पर पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करते हैं और गुलाब के फूलों की माला शिव गौरी को चढ़ाते हैं तो उन्हें वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि नियम। प्रत्येक व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ जरूरी नियम हैं जिनका पालन व्रती को अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह के गलत विचार मन में नहीं आने देने चाहिए। सावन शिवरात्रि में पूरा दिन व्रत कर शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद ही व्रत खोलें। यह महाशिव भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस दिन घर में तामसिक भोजन ना ही पकाना चाहिए और ना ही ग्रहण करना चाहिए। पूजा में शिव मंत्रों का जाप पूजा घर के पूर्व भाग में बैठकर करने से अत्यंत लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की पूजा में उन्हें भूल कर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ चावल अपूर्ण माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।